आज सुनेंगे 20 अक्टूबर 1969 की प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य बिंदु और सिंधु की स्मृति से संपूर्णता। आज किस संगठन में बाप दादा आए हैं? आज के संगठन को क्या कहेंगे? आज का संगठन है ज्ञान सूर्य और सितारों का। हर एक सितारा अपनी अपनी चमक दिखाने वाला है। बाप दादा हर एक सितारे की चमक देखने के लिए आए हैं। आप सभी इस भट्टी में आए हो तो अपने को क्या बनाने के लिए आए हो? मालूम है भट्टी से क्या बनकर निकलना है? फरिश्ता। फरिश्ता नहीं हो क्या? इस भट्टी में संपूर्णता का थप्पा लगाकर निकलेंगे। अभी फरिश्ते बनने के पुरुषार्थ ही हो, लेकिन संपूर्णता में जो कमी है उसी कमी को इस भट्टी में स्वाहा करने के लिए आए हो। ऐसे हो ना, कमियों को दूर करने के लिए। क्या बात याद रखेंगे जिससे संपूर्णता की पूरी ही छाप लगा कर जाएंगे? आज बाप दादा बहुत सहज बात सुनाते हैं। बहुत सहज ते सहज यही बात याद रखनी है कि मैं बिंदु हूँ और बाप भी बिंदु है, लेकिन बिंदु के साथ साथ सिंधु है। तो बिंदु और सिंधु यह बाप और बच्चे का परिचय है। दो शब्द भी अगर याद रखो तो संपूर्णता सहज आ सकती है। सुना, दो शब्द आज सारा दिन याद रखेंगे, बिंदु और सिंधु। तो बाबा ने गारंटी दी कि संपूर्णता सहज आ सकती है। स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो पहले पहले क्या सिखलाते हैं? पहले तो बिंदु ही लिखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं तो एक व अलग सिखलाते हैं, तो यह भी एक बिंदु। फिर आगे बढ़ते हैं तो बिंदु की याद और एक, उस एक में ही सभी बातें आ जाती हैं। एक की याद और एक रस अवस्था, एक की ही मत और एक के ही कर्तव्य में मददगार। अगर एक एक बात ही याद रखे तो बहुत ही अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। सिर्फ बिंदु और एक, उसके आगे विस्तार में जाने की दरकार नहीं। विस्तार में जाना है तो सिर्फ सर्विस के प्रति। अगर सर्विस नहीं तो बिंदु और एक, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाने की इतनी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही बातें याद रखो तो सहज संपूर्णता को पा सकते हैं। सहज है व मुश्किल है, सहज मार्ग है, लेकिन सहज को मुश्किल कौन बनाता है? जवाब दिया बच्चों ने, संस्कार। यह संस्कार भी उत्पन्न क्यों होते हैं? सिर्फ अपनी विस्मृति इन सब बातों को उत्पन्न करती है। चाहे पिछले संस्कार, चाहे पिछले कर्म बंधन, चाहे वर्तमान की भूले, जो भी कुछ होता है उनका मूल कारण अपनी विस्मृति है। अपनी विस्मृति के कारण
यह सभी व्यर्थ बातें सहज को मुश्किल बना देती है। स्मृति रहने से क्या होगा, जो लक्ष्य रख करके आए हो। स्मृति संपूर्ण, विस्मृति असंपूर्ण। विस्मृति है तो बहुत ही विघ्न है, सुना, विस्मृति है तो बहुत विघ्न है, लेकिन अगर स्मृति है तो सहज और संपूर्णता, दो बातें सुनाई। अगर इस स्मृति को मजबूत करते जाओ तो विस्मृति आपे ही भाग जाएंगी। स्मृति को छोड़ेंगे ही नहीं तो विस्मृति कहाँ से आएंगी। सूर्यास्त हो जाता है तब अंधेरा हो जाता है, सूर्यास्त ही ना हो तो अंधेरा कैसे आवे। वैसे ही अगर स्मृति का सूर्य सदा कायम रखेंगे तो विस्मृति का अंधेरा आ नहीं सकता। यह अलौकिक ड्रिल जानते हो, वैसे भी अभी वह ड्रिल जो करते हैं वे तंदुरुस्त रहते हैं। तंदुरुस्ती के साथ साथ शक्तिशाली भी रहते हैं। तो यह अलौकिक ड्रिल जो जितनी करता है उतना ही तंदुरुस्त अर्थात माया की व्याधि नहीं आती और शक्ति स्वरूप भी रहता है। जितना जितना यह अलौकिक बुद्धि की ड्रिल करते रहेंगे उतना ही जो लक्ष्य है बनने का वो बन पाएंगे। ड्रिल में जैसे ड्रिल मास्टर कहता है वैसे हाथ पांव चलाते हैं ना। यहाँ भी अगर सभी को कहा जाए एक सेकंड में साकारी से निराकारी बन जाओ तो बन सकेंगे। जैसे सूल शरीर के हाथ पांव जट डायरेक्शन के प्रमाण ड्रिल में चलाते रहते हैं वैसे एक सेकंड में साकारी से निराकारी बनने की प्रैक्टिस है। साकारी से निराकारी बनने में कितना समय लगता है, जबकि अपना ही असली स्वरूप है, फिर भी सेकंड में क्यों नहीं सिद्ध हो सकते हो। अब तक कर्म बंधन, क्या अब तक भी कर्म बंधन की आवाज़ सुनते रहेंगे। जब ये पुराना शरीर छोड़ देंगे तब तक कर्म बंधन सुनते रहेंगे। इस क्लास में प्रश्न का उत्तर देने वाले कौन है, वह तो बहुत नाम सुनाए, फिर प्रश्न उत्तर से पार जाने वाले कौन। इस भट्टी में परखने की पावर आएंगी। हर एक की यही कोशिश होनी चाहिए कि हम संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। ऐसे अब हो सकता है, वह अंत में होगा, जवाब दिया बच्चों ने, हो सकता है तो बाकी अंत तक रहकर क्या करेंगे। तो फिर बच्चों ने जवाब दिया प्रजा बनाएंगे, स्वयं राजा ताजधारी बन जाएंगे और दूसरों को क्या प्रजा बनाएंगे। आप समान भी बनाना है, प्रजा भी बनानी है, नहीं तो प्रजा बिगर राज्य किस पर करेंगे। तो ऐसे समझे कि इतने सब ही सितारे संपूर्ण बनकर के ही जाएंगे। यही उमंग और निश्चय हर एक में होना आवश्यक है कि हम संपूर्ण बने और सर्व को बनाएंगे। यही उमंग उत्साह सदा कायम रहे तो अवश्य ही लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएंगी और बाप दादा को
निश्चय है ऐसे संपूर्ण ही इस यज्ञ कुंड से निकलेंगे। कुंड का यादगार देखा है, यज्ञ तो जो भी स्थान है सभी यज्ञ ही है, लेकिन फिर भी यज्ञ कुंड का महत्व होता है। वैसे भी देखा होगा गंगा और यमुना दोनों का महत्व है, लेकिन फिर भी संगम का महत्व ज़्यादा है। वहाँ नहाना श्रेष्ठ माना जाता है। गंगा यमुना तो बहुत स्थानों पर होती है, लेकिन फिर भी विशेष संगम पर नहाने क्यों जाते हैं? उसका विशेष महत्व क्या है? संगम के महत्व को अच्छी तरह से जानते हो ना? जैसे विशेष स्थानों का विशेष महत्व होता है, इसी प्रकार मधुवन की भट्टी का भी विशेष महत्व है। इस भट्टी से संपूर्णता की सौगात बाप द्वारा मिलती है। यह मिलन का अर्थात संगम का विशेष सौभाग्य बच्चों को मिलता है। यह मिलन ही संपूर्णता की सौगात के रूप में मिलती है। इस मिलन का ही यह संगम यादगार है, तो यह मिलना ही संपूर्णता की सौगात है। पट्टी से संपूर्ण बनने का छाप तो लगा कर ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस भट्टी में हिसाब करना भी अच्छी रीति सीखना है। कहाँ कहाँ हिसाब पूरा न होने के कारण जहाँ प्लस करना है वहाँ माइनस कर लेते हो, और जहाँ माइनस करना है वहाँ प्लस कर लेते हो। इसीलिए स्थिति डगमग होती है। यह हिसाब भी पूरा सीखना है कि किस बात में जोड़ना है और किस बात में कट करना है। प्रवृत्ति में रहने का कारण जहाँ ना जोड़ना हो वहाँ भी जोड़ लेते हो, और जहाँ काटना ना हो वहाँ काट लेते हो। यह छोटा सा हिसाब बड़ी समस्या का रूप बन जाता है, इसीलिए यह भी पूरा सीखना है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी क्या तोड़ना है क्या जोड़ना है, और जोड़ना भी है तो कहाँ तक और किस रूप में। आपको भट्टी में बुलाया है तो उसका कार्य भी बताएंगे ना? कौन कौन सी पढ़ाई की सब्जेक्ट में परिपक्व होना है? एक तो अलौकिक ईश्वरीय ड्रिल की सब्जेक्ट, और दूसरी यह हिसाब करना। दोनों ही बातें इस भट्टी में सीखनी है। अगर इन दोनों बातों में संपूर्ण बन गए तो बाकी क्या रहेगा? संपूर्ण तो बन कर के ही निकलेंगे, खुद तो बन जाएंगे, लेकिन औरों को बनाने का कार्य भी बाकी रहेगा। इसे निमित्त जाना है, संबंध के कारण नहीं जाना है। जहाँ भी रहो लेकिन अपने को ऐसा समझ कर रहेंगे तो अवस्था न्यारी और प्यारी रहेंगी। जैसे बाप दादा सर्विस के निमित्त आते जाते हैं ना, तो आप सभी को भी सिर्फ सर्विस के अर्थ निमित्त बनकर जाना है, और सर्विस की सफलता पा करके सन्मुख आना है। अव्यक्त वतन से वर्तमान समय बाप दादा हर एक बच्चे को कौन सा मंत्र देते हैं? गोसुन कम सुन, अर्थात जल्दी जाओ जल्दी आओ, सर्विस प्रति जाओ
साथी बन करके जल्दी आओ, फिर जाओ। जब यहाँ गोसुन कम सुन होंगे, तब बुद्धि द्वारा भी जल्दी होंगे। बुद्धि की ड्रिल भी गोसुन कम सुन है ना, वह स्थिति तब होंगी जब यह सूल मंत्र याद रखेंगे। इस मंत्र से उस मंत्र का संबंध है, तब तो बताया यज्ञ कुंड का महत्व है। यहाँ आपको सौगात के रूप में मिलती है, वहाँ पुरुषार्थ रूप में। तो यज्ञ कुंड का विशेष महत्व हुआ ना, यहाँ वरदान वहाँ मेहनत। जब वरदान मिल सकता है तो मेहनत क्यों करते हो। इस यज्ञ कुंड से भाषा बोलना भी सीख कर जाना है, ऐसा सैंपल बनना है जो आपको देख दूसरे भी आकर्षित होकर यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जाए। बाप दादा हर एक की तस्वीर से, हर एक की तकदीर और तदबीर देखते हैं, कहाँ तक अपनी तकदीर बनाते हैं। आप भी जब किसको देखते हो तो हर एक की तस्वीर से अपनी तदबीर, उनके पुरुषार्थ का जो विशेष गुण है वही देखना है। हर एक के पुरुषार्थ में विशेष गुण होता है ना, उस गुण को देखना है। एक होता है गुण, और गुण के साथ साथ फिर होता है धुन। अनाज के दानों को अंदर से खाकर खोखला कर देने वाला जो कीड़ा, सप्त कितना नजदीक है, लेकिन वह क्या और वह क्या। अगर गुण नहीं देखते हो तो धुन लग जाता है, जो खोखला कीड़ा है बाबा कहते वो लग जाता है। तो हर एक के गुण को देखना है तो धुन जो लगता है वह खत्म हो जाएगा। जो एक दो के स्नेही होते हैं, ऐसे स्नेही बच्चों से बाप दादा का भी अति स्नेह है, स्नेह समीप लाता है। जितना स्नेही उतना समीप, तो एक दो में स्नेही हो, ऐसे स्नेही बच्चे ही समीप भी आ सकते हैं। अब भी और भविष्य में विशेष स्नेही है, इसलिए आज विशेष डबल टीका लगा रहे हैं, लेकिन अनोखा अलौकिक रीति का टीका नहीं। डबल टीका कौन सा, एक तो निराकारी दूसरा न्यारापन। यह डबल टीका हर एक के मस्तक पर अविनाशी स्थित कराने के लिए अविनाशी रूप से ही लगा रहे हैं। यह अविनाशी टीका सदा कायम रहता है। तिलक को सुहाग की निशानी कहा जाता है। इस तिलक को सदा कायम रखने की कोशिश करनी है। जितना जितना परिपक्व रहेंगे उतना पद पा सकेंगे। हर एक यही सोचे हम ही नंबर वन है। अगर हर एक नंबर वन होंगे तो नंबर टू कौन आएंगे। बाप की क्लास में कभी भी नंबर नहीं निकल सकते। टीचर भी नंबर वन, स्टूडेंट भी नंबर वन, तो एक एक नंबर वन। तो ऐसी क्लास का तो मधुबन में चित्र होना चाहिए। सुना, तो आज बाबा ने हम बच्चों को दो शब्द याद रखने के लिए कहा, बिंदु और सिंधु।
दूसरा निराकारी और न्यारापन। अच्छा, ओम शांति।